महंगे लेदर बैग्स एंड बेल्ट्स, एक्सपेंसिव लेदर वॉलेट्स एंड वॉचेस हम में से कई सारे लोगों को खरीदना और पहनना पसंद होता है, राइट? लेकिन क्या आपको पता है कि ये महंगे लेदर से बने हुए प्रोडक्ट कहाँ से आ रहे हैं? ये मोस्टली आ रहे हैं इन बेचारे एनिमल्स की खाल से। यस, आपने सही सुना, एनिमल्स की खाल। लेदर एक ऐसा मटेरियल है जो एनिमल्स की स्किन की टैनिंग या फिर एनिमल्स की स्किन पे केमिकल ट्रीटमेंट करके बनाया जाता है और लेदर से काफी सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं, जैसे कि बैग्स, बेल्ट्स, वॉलेट्स, शूज, जैकेट्स एंड मेनी मोर थिंग्स। पहले लेदर बनाने के लिए उन एनिमल्स की स्किन यूज की जाती थी जिन्हें डेयरी प्रोडक्शन के लिए यूज किया जाता था, लेकिन अब खाली लेदर बनाने के लिए एनिमल्स को स्लॉटर यानी कि मारा जा रहा है। हर साल 2 बिलियन से भी ज्यादा एनिमल्स को स्लॉटर किया जाता है ये लेदर बनाने के लिए। मोस्टली लोगों को लगता है कि लेदर बनाने के लिए खाली काउस की स्किन को यूज किया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। लेदर बनाने के लिए कई सारे और एनिमल्स को भी मारा जा रहा है। दिस इंक्लूड्स शीप्स, लैम्स, गोट्स, पिग्स और बस यही नहीं, ज़ीब्रास, कैंगरूज, एलिफेंट्स, क्रोकोडाइल्स, एलिगेटर्स, ऑस्ट्रिचेस, इवन लिजर्ड्स एंड स्नेक्स को भी सिर्फ ये लेदर बनाने के लिए स्लॉटर किया जाता है। कुछ एनिमल्स को तो पूरी तरह मच्योर होने से पहले ही मार दिया जाता है। प्रॉब्लम खाली यही नहीं है, एनिमल्स को स्लॉटर हाउसेज में लाया जाता है और इनको वहाँ पे कन्फाइनमेंट यानी कि बंद करके रखा जाता है। कई बार तो बहुत सारे एनिमल्स को सेम पिंजरे में डाल दिया जाता है जो एनिमल क्राउडिंग में रिजल्ट करता है। शायद आपके पास जो फुटबॉल शूज हैं वो किसी यंग कैंगरू को मार के उसकी स्किन से बनाए गए होंगे। क्या आपको लगता है सिर्फ एक फैशन स्टेटमेंट के लिए या फिर नए फैशन ट्रेंड्स को फॉलो करने के लिए इन बेचारे एनिमल्स को मारना जस्टिफाइड है? नहीं ना, ये तो एक काफी सीरियस इशू है। लेकिन क्या लेदर प्रोडक्ट्स का कोई अल्टरनेटिव है? यस, लेदर के अब काफी सारे अल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं एंड उनमें से एक है डेनिम। डेनिम यूज करने से ना ही सिर्फ लेदर और स्लॉटरिंग की प्रॉब्लम सॉल्व होगी बल्कि टेक्सटाइल वेस्ट की भी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। हर साल वर्ल्ड में अराउंड 92 मिलियन टन्स ऑफ टेक्सटाइल वेस्ट प्रोड्यूस होता है जिसमें डेनिम का कंट्रीब्यूशन काफी ज्यादा है। सो व्हाट अगर हम अपनी पुरानी जीन्स या फिर फिटिंग के इशू की वजह से डिस्कार्डेड जीन्स को फेंकने की जगह उनको अपसाइकिल करके एक नया प्रोडक्ट बना दें। अपसाइकिलिंग मतलब वो जीन्स या कोई भी और प्रोडक्ट जो अब आप यूज नहीं कर रहे हैं उससे कोई नया और यूजफुल प्रोडक्ट बना के उसकी वैल्यू बढ़ा देना। डेनिम से ऐसे ही काफी सारे लेदर के अल्टरनेटिव्स बनाए जा सकते हैं। उन सब में से एक है ये अपसाइकल्ड वीगन डेनिम वॉलेट्स। ये बने हैं पुरानी जीन्स को वॉश एंड स्टेरिलाइज करके। इनमें आते हैं काफी सारे कंपार्टमेंट्स एंड पॉकेट्स जिनमें आप अपना कैश, कार्ड्स, इंपॉर्टेंट पेपर्स और कॉइन्स इजीली फिट कर सकते हैं। इनकी सबसे यूनिक बात यह है कि इनके अपसाइकल होने की वजह से हर वॉलेट का एक डिफरेंट डिजाइन और कलर है। ये वॉलेट्स इको फ्रीकी पे अवेलेबल हैं 3 टाइप्स में। पहला ये क्लासिक वीगन डेनिम वॉलेट, नेक्स्ट ये वीगन डेनिम कार्ड होल्डर एंड लास्ट वन इज दिस मिनिमलिस्टिक वीगन डेनिम वॉलेट। ये वॉलेट्स ड्यूरेबल और स्टर्डी हैं और आप इन्हें काफी लंबे टाइम तक आराम से यूज कर सकते हैं। आप इन्हें परचेज कर सकते हैं हमारी वेबसाइट ecofreaky.com से, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ecofreaky पे हम उन प्रोडक्ट्स के अल्टरनेटिव्स बनाते हैं जो एनवायरनमेंट को पल्यूट कर रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो और प्रोडक्ट अच्छा लगा है तो इसको अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जरूर शेयर करिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, फॉलो एंड सब्सक्राइब।